परम प्रेमय श्रीश्री ठाकुर मोर जगत जननी श्रीश्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्रीश्री बरदा परम पूज्यपाद श्रीश्री दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त जन मोर अनंत कृपा। आज आपण सम्मुखें आलोचना करी दीक्षार आकर्षण। दीक्षा देवा भितर जे केते जे ग्रह दुख विपत्ति जड़े ऋतिक दादा कटि जाइला यह गोटे सुंदर आलोचनाटे आपण मैंने तलीधरवि। सर्वदा सीए मंगल करती किए प्रभु जैनिक कर्मी जड़े बंधु जीवन एक घटना कही थे से दीक्षा कार्य भौनी फोन कले दोषारोप करी जे माँ शय्यासायी आउ तुमे दीक्षा दे चली छो ठाकुरंकर केउठी कुहा अछि संसार कार्य छाड़ी दे ठाकुरंक कार्य करी बुलिबाकु हेबो घर संसार देखा जीवनी। ए कथा सुनी से जेउठारे दीक्षा दउथले सेठारु घर को फेरी आसी फेरिबार पथरे तांकर मने पड़िला याडे प्रभुंक काम करी ना निज काम करी एही विचारे श्याम को ही धरी रखिबार कथा से मने मने भाविले माँकर असुस्थता मु जाई कौन करी मु तो डाक्तर नुहे सबुठारु बड़ डाक्तर सीए किए परमपिता पुरुषोत्तम से भी तो माँ को धरी रखि पारु नहांती बा पारी नथिले एतब रक्षाकर्ता जीए तांको काम ही करिबा बुद्धिमान रो कार्य से ऋतिक दादा एही कथाटा निजे निजे मनस्थ कले तेणु पुनश्च गाड़ी फेराई अधबाटरु पळई आसिले आसी दीक्षा दे घर को फेरी आसी देखती तो तांको माँ संपूर्ण सुस्थ माँ पचारुछंती पुओ केते दीक्षा हला कि अनेक दीक्षार खबर शुणी माँ बहुत खुशी हेले एवं बहुत आनंदित हेले जितेबले ऋतिक दादा तांको माँ को कहले माँ बहुत दीक्षा हेछि खुशी हेगले माँ एते दीक्षा जे हेछि अनेक ही छाड़ी दे पारंती। यही कथाटी भी बहुत लोक मान मन आसे बहुत भाई मैंने प्रश्न करते भाई आपण मैंने सब दीक्षा दे चली दीक्षा दे जो चली जे एठु भी तो बहुत किसी पालन भी करूनो थिबे छाड़ी भी देउथिबे एही परिप्रेक्षीरे से भाई जनक ऋतिक दादा माने केते सुंदर उदाहरणटी दे कहउछन्ती एही दीक्षा धरिबा और छाड़ीबा नै गोटे घटना माने सुंदर घटनाटी आपण पाखरे आलोचना करबे। आम आश्रम रे जने पिला रहे ठाकुरंक से कर्मी से गोटे घटना कहिले सेमानंक राज्य रे सेतेबेले खूब आंदोलन चली थाए खूब कठिन परिस्थिति एभलिया आंदोलन चली था खाइबा पीबा रहिबा विभिन्न प्रकार समस्या मध्य भी देखा जाए राजनैतिक अस्थिरता आउ प्राणर भय भी थाए सबु मनीष सेते बेले त्रस्त्र भय रे डोरी किना राति बेला हठात सेमानंक घर द्वार रे गोटे आवाज आसिला तार बयस सेते बेले 12 रु 14 वर्ष से पिलाटीर से समय रो कथा तार बापा ताकू कहउछन्ती तो द्वारा खलिबु आउ मु आढुआळ रे दाने प्रस्तुत रहिबी तू जेते कबाटी जदि खोली देबू मु दाने प्रस्तुत रही जी आसिको ताकू मारिदेवि ए कथाटी तांको बापा पुअर कथा अवांछित मनीषर भयरे एपरी भावना पशी आसे जेते भय आसे एई भले अवस्था मध्य जीवन रे तयारी हि जाय ऑटोमेटिक पिलाटी जेमिति कबाट खोलीछि सेते सुभिला जय गुरु आश्वस्त हेले सेमाने आगतंक संख्या दुई मात्र जे आसिछन्ति दुई जण आसिछन्ति सेमाने जय गुरु कहिदेले किंतु से ता पूर्वरु तांको मनस्थ थिला जे जे आसिबो ताको हाणि दिया जीवो दारे किंतु देखला बेले जय गुरु शब्द दुई जण गुरु भाई तांको द्वारे आगत आगंतुक द्वय कहिले आंदोलनकारी माने जानिछन्ति एही घरे बंगलादेशर दुई आश्रय नेइछन्ति आंदोलनकारी माने आगामी काली आसिबे आउ बांग्लादेशी मानंकु जदि पाति तेबे घरे निया लगाई शेष करिदेबे ए गुरु भाई माने तांको जणै देले जदि प्रकृत रे बांग्लादेशी आश्रय नहीं थांती तेबे अविलंबे सेमानंकु दूरेई देबाकु हेबो कहि चलीगले सेमाने दि जण गुरु भाई चलीगला परे जो माने खबर देबाकु आसीथिले सेमाने कोनोसी एक समय रे दीक्षा नहींथिले किंतु सबु छाड़ी छुड़ी देइछंती सेमाने भी आंदोलनकारीक दल रे ही सदस्य जेतेबेले सेमाने देखिले सेमानंक गुरु भाई आक्रांत हेबाकु जाउची सेमाने जागी उठिले प्राणपणे खसी आसी से रातिरे ही सजाग करदे से भाई जन को आ प्रकृत ही सहज माने करदे एवं घर को दुईज एपरी आत्मीय आसी जो माने वास्तवान बास्तस्थान बांग्लादेश
ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜୟଗୁରୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ବାଂଲାଦେଶ। ରାତାରାତି ସେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦିଆଗଲା। ପରଦିନ 400-500 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆସି ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ତଲାସ ଚଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ିଙ୍କର ଭାବ ମୋକ୍ଷ ସମୟରେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ତେଣୁ କହୁଛି, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ଦିଆ ବି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିବ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା। ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଜାଗି ଉଠିବେ, ପୁନର୍ବାର ଫେରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜାଗି ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବା। ଏ ନେଇ ବ୍ୟାପୃତ ନ ରହି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। 2015 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ କିଅନ୍ଦଶ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜୟ ଗୁରୁ।